और फ्रेंड्स, मैं आपकी ऋषिका लाई हूँ आज एक और नई बी टाउन की ताजा खबर। भारत से आई सलमान की दमदार लुक वाली तस्वीर, जबरदस्त होने वाली है फिल्म। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म भारत की शूटिंग में काफी ज्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए सलमान खान को काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी फिल्मों से अलग क्यों है भारत, ये फिल्म सलमान की अभी तक की सभी फिल्मों से अलग है। फिल्म की कहानी सन 1947 के समय हुए इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे से लेकर अब तक के समय के बीच हुई घटनाओं पर आधारित है। सलमान खान ने अभी तक इस तरह की कोई भी फिल्म नहीं की है। आखिर क्यों कर रहे हैं सलमान इस फिल्म के लिए इतनी मेहनत? इस फिल्म के लिए सलमान खान अपने लुक्स पर काफी काम कर रहे हैं। आपको बता दूं कि फिल्म में सलमान खान एक 20 साल के यंग लड़के से लेकर 7 साल की उम्र के बूढ़े आदमी तक का किरदार अदा करने जा रहे हैं, जो कि सलमान के लिए काफी चैलेंजिंग होगा। क्या एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर धमाल दिखा पाएगी सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी? सलमान और कैफ इससे पहले कई फिल्मों में एक साथ काम कर चुके हैं और इस जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद भी किया है। शायद यही वजह है कि सलमान से ब्रेकअप के बाद भी कैटरीना ने आज तक कभी फिल्म्स करने के लिए उनसे मुख नहीं फेरा। लगातार सलमान के साथ मैंने प्यार क्यों किया, पार्टनर, युवराज, एकता टाइगर और टाइगर जिंदा है जैसी कई हिट फिल्में दी हैं। पहले इस फिल्म की अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का नाम लिया जा रहा था, पर आखिरी मौके पर प्रियंका ने इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया और आखिरकार इस फिल्म के लिए दिशा पटानी को फाइनल किया गया। और कौन कौन से कलाकार बन सकते हैं इस फिल्म का हिस्सा? सलमान की अपकमिंग फिल्म की स्टार कास्ट की लिस्ट तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बताया जा रहा है कि फिल्म में कैटरीना कैफ के अलावा अभिनेत्री दिशा पटानी, नौरा फतेही और तब्बू भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगी। इसी के साथ जैकी श्रॉफ, सुनील ग्रोवर, अली जफर, अनंत शर्मा और मानव विजय जैसे कुछ कलाकारों के नाम दिए जा रहे हैं और वरुण धवन भी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे। क्या कमाल दिखा पाएगी बॉक्स ऑफिस पर? बताया जा रहा है कि फिल्म को बनाने में लगभग 200 से 250 करोड़ तक का खर्चा बैठ चुका है। इससे ये तो साफ है कि हर बार की तरह इस बार भी सलमान अपनी फिल्म पर काफी खर्चा कर रहे हैं। क्या हर बार की तरह सलमान खान अपनी ही पिछली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो पाते हैं? अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी मोटी कमाई करती है। आपको क्या लगता है? अपना जवाब मुझे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, मुझे ये भी कमेंट करना मत भूलना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।